तो दोस्तों फाइनली अभी देखकर मैं बाहर आया हूँ सम्राट पृथ्वीराज को। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद मैं दिल से ये बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो उम्मीद मुझे इस फिल्म से थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खड़ी उतरी है मेरे भाई। दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री में सम्राट पृथ्वीराज की कहानी को पढ़ा है, लेकिन उनके चैप्टर को कितना बड़ा रखा गया है इतिहास के पन्नों में, ये बात आप लोग भी जानते होंगे अगर आप लोगों ने इनकी कहानी को हिस्ट्री में पढ़ा है मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने का जो मेरा सबसे पहला उद्देश्य था वो ये था कि भैया उनकी जीवनी को मैं पूरी तरीके से इस फिल्म के माध्यम से सिनेमाघर में देखूँ। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से दिल से कहना चाहूँगा कि भैया बहुत हद तक उनकी जीवनी को आज देखने का मौका मिल गया कि हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, क्या मूवी है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट लेवल बना हुआ था ना, ये फिल्म उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों के सामने रखने में कामयाब हो गई है जो कि मैं इस फिल्म से उम्मीद कर रहा था। अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की तो भैया आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद अगर हम बात कर भैया इस फिल्म की स्टोरी लाइन की तो ज़बरदस्त। उसके बाद अगर हम बात कर भैया इस फिल्म में नज़र आने वाले सभी कलाकारों की, यानी कि अक्षय कुमार, संजय दत्त, मानुषी छिल्लर, मतलब कि इसमें सोनू सूद का नाम मैं कैसे भूल रहा हूँ मेरे भाई, मतलब कि जितने भी कलाकार थे सब ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया फिल्म के ट्रीटमेंट की तो वो भी बहुत ही शानदार रहा। फिल्म का पहला ओपनिंग शॉट ही इतना शानदार था, इतना ज़बरदस्त था कि मैं क्या कहूँ। और मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी स्पॉइलर आप लोगों को नहीं दूंगा कि इस फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। मैं बस आप लोगों से यही अपील करूँगा कि अगर आप हिंदू हृदय सम्राट अगर पृथ्वीराज चौहान की कहानी को देखना चाहते हो, उनकी जीवनी से रूबरू होना चाहते हो, तो आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर में जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा फास्टेस्ट रिव्यू था। इसका जो प्रॉपर रिव्यू है मैं बाकी दो फिल्मों को देखने के बाद अपने घर से आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अभी हमें और भी दो फिल्में देखनी है, यानी कि मेजर और उसके बाद में भाई विक्रम। तो इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद मैं इसका फाइनल रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से कहूँगा कि भैया बेधड़क इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर में आ जाओ। कोई भी नेगेटिव पॉइंट पर ध्यान मत देना आप, क्योंकि ये फिल्म जो है कुछ पॉइंट्स पर आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, कहानी थोड़ी सी धीमी लगेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको इस फिल्म का थोड़ा सा स्क्रीन प्ले कमज़ोर लगे, तो इन सभी बातों को दरकिनार करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन मैं ये बात आप लोगों से कहूँगा कि भैया इस फिल्म में आपको हिंदू हृदय सम्राट यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को देखने का मौका मिलेगा, जो कि आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाने वाला है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।